अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब कवानीन तोड़े जाने लगे, कौम के बड़े ही यानी हुक्मरान ही कवानीन की धज्जियां बखेरने लगे, तो ऐसी चीज़ें तो नॉर्मल ही कहलाएंगी, किसको भला डर होगा। हर शख्स जो मर्सी जुर्म करता फिरे, हर शख्स जो दिल करे वही काला करतूत करे। तो इस मंजर को ज़रा स्टार्टिंग से देखिए, लाइक भी कीजिएगा। इस खातून ने यहाँ कई मौजूद मर्दों में से कुछ के साथ वो काम किया कि आप देख कर सर पकड़ लेंगे। लाइक भी कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आगे भी फैलाने की कोशिश कीजिएगा। तो साथियों, ये यहाँ पर इंटर होती है और इंटर होते साथ ही कई सोए हुए नौजवानों को देखकर ये सबसे पहले बड़े सुकून से उनको चेक करती है कि वाकई में ये सोए हुए हैं या नहीं, और उसके बाद इनकी कमीज़ों वगैरह को टटोलना शुरू करती है, इनके करीब आती है, इनको बाकायदा तौर पर देखने के बाद हर साइड पर यह घूमती फिरती नज़र आ रही है और सभी की जेबों को खाली करने के चक्कर में है। अब किस अंदाज में ये सारी चीज़ करती है, आप इस मंजर को ख़ुद भी ज़रा देख लीजिए। तो दोस्तों, इनमें से एक आराम से उठने की कोशिश करता है तो खातून बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन फिर ये अपनी इस वारदात में कामयाब होने के लिए हदें क्रॉस करती है और आखिरकार ये मुख्तलिफ जेबों में से और मुख्तलिफ जगहों से पैसे भी बटोरती है, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन्स और कीमती अशिया भी उठाती है और यहाँ से लेकर चलती बनती है। सीसीटीवी कैमरा में बाद में देखा गया, जब तमाम चीज़ें ये उठाकर ले जा चुकी थी तो वाज़े हुआ कि हदें पार हुई हैं और वारदात पड़ चुकी है। आप राय दीजिएगा इस वीडियो के हवाले से, इसे आगे भी लाजमन शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको राह हिदायत नसीब करे और ऐसे लोगों को निशान इबरत बनाए। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।